जब कभी भी फेसबुक के ऊपर आपको कोई भी टूल का एलिजिबिलिटी मिलता है, मान के चलो आपका इनस्टीम ऐड हो या चाहे एड्स और रील्स हो, चाहे आपका बोनस हो या स्टार, कोई भी टूल आपके पास में जब एलिजिबल हो तो ये बात ध्यान रखिए, सबसे पहले सेटअप करने से पहले आपके पास डेटा होना ज़रूरी है। और डेटा यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन क्या, आपका अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड और साथ ही आपका अकाउंट होल्डर नेम। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें कंप्लीट जब आपके पास हो जाए फिर आपको सेटअप करने बैठना है। ऐसा नहीं हो कि पता चला कि अच्छा अभी अकाउंट नंबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मतलब बीच में उसको स्टॉप नहीं करना है। ट्राई करो कि आप एट ए टाइम एक बार में ही सारा फिनिश करके निकलना है। लेकिन अब मुद्दे की बात आती है कि भाई कई लोग गलतियाँ इतनी करते हैं कि सेटअप वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन की बारी आती है तो पता चला उसको लोग सेटअप को मतलब जो वेरीफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जब पेमेंट है वो रुक जाता है, पेमेंट आता नहीं है, पेज डिमोनेटाइज होता है, प्रोफाइल भी डिमोनेटाइज होता है। तो आप भी इन सब बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर अभी हमारे पास एक प्रोफाइल है, आप यहाँ पर नोटिस करोगे हमारे पास यहाँ पर भी रविंदर जी की एक प्रोफाइल है, और प्रोफाइल के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, देखिए इनकी एक पेमेंट तो पेड हो गई, उसके बाद इनसे बोल दिया कि भाई आप टैक्स आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट करो, और इनकी ये पेमेंट आ भी गई। जैसे अगर देखोगे आप यहाँ पे कि मोनेटाइजेशन टूल के अंदर आपके यहाँ पर इनके एड्स ऑन रील्स और इनस्ट्रीम एड्स अभी रिव्यू में है, तो एड्स ऑन रील्स से इनका ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि मात्र एक या दो वीडियो से इनका जनरेट हो गया है पैसा, है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझो, जैसे आप देखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर नोटिस करो, थोड़ा सा आप नीचे आओगे और नीचे ही, अब देखो आप, आपके पास यहाँ पर पे आउट का एक ऑप्शन है, और पे आउट के एक ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन दे रहा है, ऐड योर टैक्स इन्फो टू गेट पेड, टू रिसीव योर अर्निंग्स ऐड योर टैक्स इन्फो नाउ। अगर आप यहाँ पर इसको नहीं फिल करोगे तो आपका जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, अगर आप इसको काफ़ी टाइम से कैसे होल्ड रखते हो तो हो सकता है कि आपको आपकी पेमेंट भी ना मिले, आपका डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, पेमेंट भी नहीं मिलेगा। जैसे आप इनका लास्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो इनका $27 का कुछ पैसा था जो इनके अकाउंट में, आप नोटिस करो यहाँ पर इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, जिसमें यहाँ पर इनसे टैक्स आई डी वेरीफिकेशन मांग लिया। प्रॉब्लम ये नहीं कि टैक्स आई डी वेरीफिकेशन मांग लिया, प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस टैक्स आई डी वेरीफिकेशन को ऑन करते हैं, और जैसे ही ऑन करते हैं तो बोलता है यहाँ पर ऐड योर टैक्स इन्फो, और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आगे जब आप इसको प्रोसीड करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपसे यहाँ पे ये आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर ये सब चीज़ें मांगेगा। लेकिन जैसे लॉगिन करोगे तो इनका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। रीज़न क्योंकि अब आपको यहाँ पे एक सबसे मेन चीज़ दिखाता हूँ, देखो आप ध्यान से देखिए, बैक आओ और यहाँ से सेटिंग में जाओ। सेटिंग में आने के बाद अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे इनका जो टैक्स आईडी है, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा ना टैक्स इन्फो रिक्वायर्ड, तो जैसे आप यहाँ पे टैक्स इन्फो रिक्वायर्ड पे जब जाओगे तो इनका जो अकाउंट टाइप है वो हो गया है बिजनेस अकाउंट। अब आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा नीचे आके, मैं एक बार थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ आपको, मैं देखिए आप ये देख रहे हैं, कंट्री है आपकी इंडिया, और बिजनेस टाइप क्या है, प्राइवेट कॉरपोरेशन, और जिसकी वजह से ये इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या रहा, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप देख लेना वहाँ पर डेस्कटॉप की, क्योंकि इसमें ओपन नहीं रहेगा, इसमें लॉगिन करना पड़ेगा ब्राउज़र में भी। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे टैक्स इन्फो पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो आगे यहाँ पे ब्राउज़र पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, राइट। जैसे हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो इनका अकाउंट टाइप बिजनेस हो गया है। अब इनका अकाउंट टाइप तो बिजनेस हो गया, तो हम क्या करें इसके लिए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के लिए भाई देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, सबसे पहले आप क्या करो, इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपके पास यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर सपोर्ट का, क्रिएटर सपोर्ट में जाओ और यहाँ पे मोनेटाइजेशन टूल के टूल में जाओ। आप फेसबुक के पास किसी भी माध्यम से पहुँच जाओ, उसको अपनी बात आप समझा पाओ। जैसे आप यहाँ पे आउट सपोर्ट में आओगे, मेटा पे सपोर्ट के अंदर आओगे, तो आपको यहाँ पर देखो क्या है, टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करो, आपका क्या एक्टिव है। आप देखोगे यहाँ पे आपके पास में एड्स ऑन रील्स यानी कि आपका ओवरले एड्स एक्टिव है, मान लीजिए आप यहाँ प्रॉपर एक मैसेज टाइप करो अच्छे से, उसको बताओ कि भाई कि मतलब जो मेरा अकाउंट है वो इंडिविजुअल की तरह मेरा बिजनेस बन चुका है, सो मैं उसकी वजह से अपना टैक्स आई डी वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। आप यहाँ पर जब लिखोगे इसको प्रॉपर तरीके से, तो आप मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो जब आप
प्रोसेस करोगे ना तो मैं यहाँ से आपको बैक जाके एक आपको सपोर्ट इनबॉक्स में जगह मैं चेक कराऊँ तो आप देखोगे मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी केस आईडी चल रही है जो कि ये रहा जनरेट आप बोला आप समझो यहाँ पे देखो यार शुरुआत से जब आप यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा था कि भाई ऐसा ऐसा है मेरा मिस्टेक से बाई मिस्टेक ये बन गया जिसकी वजह से मेरा इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कर दो आप है ना। आप देखो यहाँ पे इन्होंने बोला ये डिटेल चाहिए ऐसा डिटेल चाहिए ये सब चीज़ें आप फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा मैसेज फिर उनसे कुछ डिटेल्स मांगे फिर यहाँ पर फाइनली जो है आपको एक फॉर्म भेज दिया। देखो ये रहा नॉन यूएस इंडिविजुअल तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल का फॉर्म है W8BN का फॉर्म है जैसे इसके ऊपर क्लिक करो तो एक PDF फॉर्म खुलेगा और ये PDF फॉर्म जो है अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे PDF फॉर्म को जो प्रॉपर आप फिल करो बहुत डिटेल्स में। देखो ये रहा इस तरीके से आपके पास में एक PDF फॉर्म खुलेगा ये वाला यहाँ पे प्रॉपर आपको डिटेल्स फिल करना है जैसे आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है साथ ही यहाँ पे एड्रेस डालना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री डालना है नीचे आप आओगे यहाँ पे अपना पैन कार्ड डालना है पैन कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालना और यहाँ पे आपको आप यहाँ पे देखेंगे फॉरेन US टैक्स आइडेंटिफिकेशन डाल देना और यहाँ पे इसके बाद में प्रॉपर इसका आप यहाँ पे जैसे जितना परसेंट का क्लेम करना चाहते हो वो सब चीज़ें यहाँ पे फिल करके यहाँ पे आपको टिक ऑन करके और साथ ही आप यहाँ पे टिक ऑन करने के बाद ये आपको यहाँ पे इजीली सिग्नेचर वगैरह करके ये सब काम आपको कर लेना है यहाँ पे डेट ऑफ लिख दो ठीक है। ये सब प्रोसेस जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। टाइम लगेगा मे बी आपका एक रिप्लाई में काम ना हो दो रिप्लाई में काम ना हो बट टाइम लगेगा ये बात ध्यान रखिए। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है फेसबुक से ही बात करना पड़ेगा उनसे ही चैट में डिस्कशन में लगे रहना पड़ेगा उनको समझाते रहना है और देन उसके अकॉर्डिंग जो है आप इजीली अपना टैक्स आईडी को आप चेंज कर पाओगे या उसको आप अपडेट करा पाओगे। इस प्रोसेस में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट आपके इस चीज़ को अपडेट ना मिले हो सकता है आपको 10, 20, 30 या 5, 6, 7, 8, 10 चैट के बाद आपका सॉल्यूशन हो बट टाइम लग जाएगा ये ध्यान रखें। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो मेन अब यहाँ पे निचोड़ क्या निकल के आता है कि जब भी आप सेटअप करने जाएं तो अकाउंट टाइप ऑलवेज आपको इंडिविजुअल रखना बिकॉज आपके पास कोई चैरिटी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास कोई कंपनी नहीं है। अगर देखिए कंपनी है तो आप लगा सकते हैं कॉर्पोरेशन का आप लगा पाओगे सर्टिफिकेट वगैरह बट जब नहीं है तो कहाँ से लगाओगे तो उसके लिए चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और आप में से किसी का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे उसको फेसबुक से आप चैट करके बात करके सब चीज़ें कर सकते हैं बट फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है नहीं इशू रिजॉल्व हो रहा है आप जो है डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा है मेरे फेसबुक के पेज पर जाओ मैं आपको बता दूँ अगर यहाँ पर मेरे फेसबुक के पेज पर जब जाओगे ना तो वहाँ पर आपको मिलेगा जैसे मान लो मैं टैक राजमन सर्च करता हूँ तो टैक राजमन जब आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा एक मिलेगा फॉलो का दूसरा मिलेगा आपको कॉन्टैक्टस का। तो कॉन्टैक्टस के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो आप नोटिस करोगे एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे तो उसके आपसे यहाँ पर जो है एक आपका फॉर्म खुल जाएगा अपना टाइम स्लॉट ले लो पेड सर्विसेज से ये बात है टाइम ये जो कंसल्टेशन है टोटली ये मेरा पेड है बाकी आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अपना सलाह मशवरा ले सकते हो बाकी सॉल्यूशन का है तो उसके अकॉर्डिंग आगे फर्दर आप प्रोसेस कर सकते हो। सो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कैसे किस तरीके से काम करना है। तो आप मेरा सजेशन तो ये कि भाई आप खुद ही इसको रिजॉल्व करो इससे क्या होगा दो चीज़ होगी आपका पैसा बच गया मेरा समय बच गया सबसे मेन चीज़ है आप इसको रिजॉल्व कीजिए। स्ट्रक्चर आपको बता दिया मैंने फिर भी कोई डाउट है तो सॉल्यूशन बता दिए कैसे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें इन चीज़ों को देख के मिलते हम लोग नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ।